मेरा नाम वैकुंठ प्रिंस पाठक है। तो हम अभी बैठे हैं भाई एक एसएमईज एक्टर के साथ। अगर जो भी भाई बंदा ये ब्लॉग एंड तक देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे नेक्स्ट डे में ये हुआ मेरे साथ। हे गाइस, वेलकम टू व्लॉग। तो आज हमारी भारत यात्रा का दिन 164 एंड अभी हम हैं लखीमपुर के पास, नॉर्थ लखीमपुर के पास आसाम के। एंड आज कुछ प्लान ऐसा है कि पासीघाट की तरफ आगे तो बढ़ना है, पर कितना आगे बढ़ना है वो हमें नहीं पता है, अनडिसाइडेड है। तो चलिए भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। एंड ये भाई उन भैया का घर जो हमें कल ट्रक में लेके आए थे, एंड यही हम सोए थे इसी कमरे में। एंड देखो बिल्कुल बांस का बना हुआ घर है। एंड यहाँ पे भी सामने जो है मतलब एक दूसरा सीमेंटेड घर जो है बनाया जा रहा है, मतलब खुद ही बना रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं लगा हुआ, खुद ही फैमिली वाले जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और खुद खुद इसे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास देखिए आप बिल्कुल ग्रीनरी, खेत ही खेत। चलो ठीक है अंकल जी, बाय बाय। और अपने बेटे और मेरे भैया जी को कहना कि थैंक यू उनके लिए, लिफ्ट देने के लिए और रात को यहाँ रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। चलो भाई अभी जो टाइम हो चुका है वो तकरीबन हो चुका है 1:15, और हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा नॉर्थ लखीमपुर की तरफ। सॉरी सब्जी को तड़का लग रहा है अंदर, बड़ी कोई स्वादिष्ट सी सब्जी बन रही है, पर रुकने का टाइम नहीं है। अंकल ने चाय भी पिला दी हमें, और जो अंकल थे वो शायद पिताजी थे उन भैया के जिन्होंने हमें कल लिफ्ट दी थी। और अभी हम सबसे पहले यहाँ से जा रहे हैं भाई नॉर्थ लखीमपुर की तरफ, एंड वहाँ से जाके देखते हैं कि पासीघाट की तरफ आगे जाना है या वहीं रुकना है, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा पीछे चल रहा है एंड बॉडी भी थोड़ी सी ना ढीली सी है। सो लेट्स सी, एक बार नॉर्थ लखीमपुर पहुँचते हैं, अगर कोई सस्ती स्टे मिलती है तो आई होप कि हमें वहीं रुकना पड़ेगा, और बाकी देखते हैं यार। चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं पहले। सो गाइस, हमें हमारी नेक्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है एंड भैया ने हमें लिफ्ट दी। भैया वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैकुंठ प्रिंस पाठक है। ओके, तो भैया बता रहे थे कि यहाँ के जो एसएमई सीरियल्स होते हैं उसमें भैया काम करते हैं। यूट्यूब पे भैया का चैनल है, फेसबुक पे भैया का एक पेज है पाठक न्यू असम। हाँ, और भैया के उस पे जो है 93K के आसपास है ना। हाँ। और अभी यूट्यूब पे भैया ने अभी रिसेंटली शुरू किया तो उसके भी 2-3K हो चुके हैं। भैया कहते हैं कि मेरे थोड़ा सीरियल्स में मतलब काम करता हूँ, उसकी वजह से थोड़े जल्दी रीच आ जाती है। तो हम अभी बैठे हैं भाई एक एसएमईज एक्टर के साथ, एंड अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ लखीमपुर की तरफ, वहाँ पे जाके अपनी स्टे वगैरह ढूंढते हैं। एंड अभी आपको अपडेट करते हैं कि क्या हो रहा है आगे। भैया ने अभी हमें यहाँ पे उतार दिया है भाई एक रेस्टोरेंट के बाहर, मतलब इसके अंदर होटल भी है, और भैया ने बात करी थी अब यहाँ पे होटल के रहने की। तो मैंने भाई उनसे पूछा कि रेंट क्या है, तो 700 बोल रहे हैं, मतलब मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है। अभी आसपास और ढूंढ लेंगे मतलब सस्ता था कोई, मतलब यहीं रहने वाले हैं आज यार। और अभी खाना भी ना भाई यहीं से खा लेते हैं, सस्ता ही है, 70-80 रुपये का हमें जो है थाली मिल जाएगी चावल की, तो वो खा के फिर हमें अभी यहाँ पे स्टे भी ढूंढने हैं, स्टे ढूंढते हैं और अपना काम वगैरह करते हैं। सो गाइस, फाइनली जहाँ पे हमें एक्टर भैया ने छोड़ा था वहाँ पे हमें भाई स्टे मिल गई थी 700 रुपये में, पहले बोल रहे थे, फिर जब हम जाने लगे भाई खाना पीना खा के तो उन्होंने हमें बोला कि यार यहाँ पे एक शेयरिंग रूम भी है, मतलब आप मेरे पीछे सकते हो, यहाँ पे इस बेड पर कोई और है और ये पीछे वाले बेड पर हम हैं और यहीं पर स्टे करने वाले हैं आज। एंड 350 रुपये मिल गया यार, चल ठीक है, फिर भी अभी नीचे जा रहे हैं थोड़ा आसपास का एरिया घूम के आएंगे। एंड 8:30 बजे भैया ने लास्ट बोला है कि आपको यहाँ पे खाना मिल जाएगा, तो ये भी अच्छा है कि खाना खाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो नीचे रेस्टोरेंट भी इनका, तो वहाँ खाना पीना खा लेंगे। एंड नॉर्थ लखीमपुर में भाई ऐसा कुछ एज सच घूमने वाला है नहीं, मतलब कुछ फोटो पॉइंट्स हैं, पर फोटो पॉइंट्स भाई जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वैसे भी हम लेट हो जाएंगे, कल की बात कर रहा हूँ मतलब घूमने की। तो हम ऐसा करेंगे कि भाई कल यहाँ से निकलेंगे सीधा पासीघाट की तरफ, जो कि यहाँ से पड़ता है तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे पासीघाट। एंड आज हम नहा धो के भाई अच्छे से तैयार हो चुके हैं, थोड़ा दिन हो गए भाई नहाए हुए, पर अभी नहाया हूँ तो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। एंड ठंड भी थोड़ी ज़्यादा थी ऊपर के हिस्से में तो नहाने का दिल नहीं कर रहा था, अभी यहाँ पे थोड़ा मौसम भी ठीक है, ठंडे पानी से नहाए हैं भाई, देख लो इस जनवरी के टाइम पे हम ठंडे पानी से नहाए हैं, पर बढ़िया था, मज़ा आ गया, रिफ्रेशिंग सा हो गया, सारी बॉडी ठीक हो गई है ऑलमोस्ट, एंड पूरा ऐसे ही भागने की दिल कर रहा है अभी, पूरा तंदुरुस्त हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अभी नीचे घूमने के लिए। ये है हमारी स्टे, अगर आप भाई नॉर्थ लखीमपुर में आ रहे हैं तो यहाँ पे आके आप स्टे ले सकते हैं, यहाँ पे आपको शेयरिंग बेड मिल जाएगा 350 रुपये का, होटल उद्यान एंड के पास भाई फूड का भी है, तो हमने यहीं से भाई अपना डिनर भी कर लिया है। अब जो है भाई डिनर का बैठा है वो है 80 रुपीज़। तो अभी बाहर ही घूम रहे थे, थोड़ा टाइम हो चुका है 9:15 रात के, अभी थोड़ी देर बस और घूम के बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर बैठ के बोर हो जाते हैं यार, अभी थोड़ी देर और बाहर घूमते हैं एंड आसपास के एरिए को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। आपको तो क्या ही दिखाएंगे, मार्केट है छोटी सी आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिखाई है,
तो मार्केट है ठीक है, सुंदर है। मतलब भाई एक चीज़ मेरे को यहाँ पे मिसिंग लग रही है, अगर कोई बिज़नेस खोलना चाहे तो यहाँ पे भाई अपना खाने पीने का बिज़नेस खोल लो, क्योंकि खाने पीने की यहाँ पे मेरे को एक भी शॉप नहीं दिखी। मतलब ऐसी चीज़ें तो मिल रही हैं जो खाने की मतलब होती हैं, जैसे खाना, पर फास्ट फूड नहीं मिल रहा कहीं पर भी आसपास। तो भाई उसकी आपको शॉप्स खोल लेनी चाहिए यहाँ पर, इस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, एक आधी भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो चलो भाई घूमते हैं एंड चलते हैं अपने स्टे पे वापस थोड़ी देर में। सो गाइस आज का ये ब्लॉग यहीं तक था, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी एक वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो जो है वो तो ख़त्म हो चुकी थी और ये कब की फुटेज है, तो भाई ये नेक्स्ट डे की फुटेज है। एंड आज मुझे बुखार है थोड़ा सा, कल मैं ठंडे पानी से नहा लिया था शायद उस वजह से, पता नहीं किस वजह से, बट बहुत ज़्यादा बुखार है, पूरा शरीर जो है वो गर्म हो रखा है। एंड सुबह बहुत ज़्यादा था, अभी फिर भी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, दोपहर के अभी 2:30 बज चुके हैं। सो आपको ये नोटिफाई करना चाहता था कि भाई नेक्स्ट डे कैसे गुजरा मेरा, अगर जो भी भाई बंदा ये ब्लॉग एंड तक देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे नेक्स्ट डे में ये हुआ मेरे साथ। और मतलब हो जाता है यार, अभी पिछले कुछ दिन से मैं मोस्टली बुखार और शरीर थोड़ा वीक ही है, तो आई होप कि थोड़ा जल्दी ठीक हो और हम रेगुलर ट्रैवल कर पाएँ। काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लग चुकी है, 2-3 दिन मुझे पता है कि लगातार हमें हमारे जो हैं वेस्ट हुए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भागेंगे अब अच्छे से, एक बार ठीक हो जाए बॉडी और वीकनेस चली जाए अच्छे से, देन भागते हैं। तो चलिए आज के दिन के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।